अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड, ये महिंद्रा ट्रियो लोडर का ये पार्ट टू वीडियो है। मैं फ्रेंड पार्ट वन वीडियो में आप लोगों को दिखाया था इसके ये जो डिफरेंशियल है, इसके अंदर जो गियर बॉक्स है उसका प्रॉब्लम क्या था। तो मेन प्रॉब्लम मंदिर में ही था। तो आज फ्रेंड ये वीडियो में आपको ये मंदिर को चेंज करके दिखाऊंगा और ये मंदिर का प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो फ्रेंड ये जो गियर बॉक्स है और ये गियर बॉक्स और मोटर दोनों एक साथ ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही भारी है, तो ये नीचे में ये मंदिर को फिटिंग करना और इसको वीडियो कैप्चर करना बहुत मुश्किल था, जिसके लिए मैं इसको ऊपर उठा लिया हूँ ताकि मेरा थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिले और आपको भी मैं ये वीडियो को अच्छे से करके दिखाऊँ और उसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड, इसके अंदर देखिए ये आइडल पिनियम है, जो नॉर्मल गियर बॉक्स में जो डूडल गियर होता है डबल गियर, तो ऐसा ही इसमें ये आइडल पिनियम है, ओके। तो ये पिनियम एकदम सही है। और फ्रेंड ये इसका नया पूरा मंदिर आया है, ओके। तो आपको मैं इसको खोल के दिखाता हूं। देखिए ये पुराना वाला था, ये पुराना वाला मंदिर है। इसका जो मेन बाहर का जो दांत है वो एकदम फ्रेश है, इसका सिर्फ अंदर वाला जो गुच्छा था वो गुच्छा ही खराब हो गया था। तो मैं वो पुराना वाला गुच्छा भी आपको दिखाता हूं अभी। और जो भाई लोग अभी ये वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पार्ट वन वीडियो को पहले देखे, ठीक है। तो पार्ट वन वीडियो अगर पहले देखेगा तो उसको पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो गुच्छा, जो इसको सन गियर कहता है, तो ये सन गियर का देखिए दोनों दांत इसका टूट गया था, जिसके कारण इसमें कटकट करके साउंड आ रहा था, ओके। तो फ्रेंड यही एक गुच्छा में प्रॉब्लम था जिसके कारण ये पूरा फुल सेट मंदिर को चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये माल मार्केट में मिलता नहीं है, ये फुल सेट ही आपको मंगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड ये महिंद्रा का ओरिजिनल है और ये इसका पार्ट नंबर है और इसका प्राइस देखिए 6,781 रुपये, ये पूरा GST इंक्लूड है, ठीक है। ये इसका यही दाम है, कोई भी प्लस माइनस नहीं, एकदम सेम टू सेम यही दाम लगेगा, ठीक है फ्रेंड। तो जिसके पास ये गाड़ी है तो मैं उसको बोलना चाहता हूं कि भाई अपने जो गाड़ी जो है उसको बहुत ध्यान से चलाने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा प्रॉब्लम अगर होगा तो इतना खर्चा ज्यादा हो जाएगा आपका जेब से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और फ्रेंड देखिए ये जो मंदिर आया है, ये मंदिर के साथ देखिए दो बियरिंग भी लगा हुआ है, ये 62/6 का दो बियरिंग है, ठीक है फ्रेंड। इसमें दोनों बियरिंग एक साथ ही लगा हुआ रहता है। ये टोटल किट ही मिलता है और ये टोटल किट का ही दाम है 6,800 रुपया, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अभी इसको फिटिंग करेंगे और फिटिंग करके भी आपको दिखा दो, देखिए ये कैसे फिटिंग होगा। तो देखिए फ्रेंड ये ऐसे फिटिंग होगा, ओके। इसको ऐसे फिटिंग करना होगा, ये ऐसे जाएगा। और फ्रेंड ये जो गियर बॉक्स आप देख रहे हो, ये नॉर्मल जो ई रिक्शा है, नॉर्मल ई रिक्शा जो यूफेंग टाइप जो ओपन गियर बॉक्स वाला होता है, वो एकदम सेम एज इट इज, एकदम सेम ही है, ठीक है। और फ्रेंड और एक जो चीज है, ये जो आप सरक्लिप देख रहे हो, ये सरक्लिप, ये जो बियरिंग है, ये बियरिंग का जगह में देखिए यहां पर एक स्लॉट दिया हुआ है ये सरक्लिप बैठने के लिए। तो इसका काम क्या है, ये जो बियरिंग है इसको प्ले होने नहीं देगा और ये मंदिर जो है एकदम फिक्स रहेगा, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए अभी ये मंदिर को फिटिंग करेंगे। और उससे पहले आप और एक चीज देख लीजिए, देखिए ये गाड़ी का कंट्रोलर है, ठीक है। ये बहुत हैवी ड्यूटी होता है, ठीक है फ्रेंड। और उसके लेफ्ट साइड में ही देखिए एक ऑक्सिलरी बैटरी है, देखिए ये 12 वोल्ट का एक ऑक्सिलरी बैटरी है। और ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट सप्लाई जब सामने BCM में देगा तब HB कॉन्टेक्टर ऑन होगा और उसके बाद जाके ये कंट्रोलर ऑन होगा और फिर मोटर चलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये टोटल सिस्टम होता है। और फ्रेंड ये कंट्रोलर के राइट साइड में जो है और एक जो आप चीज देख रहे हैं वो है इसका एक कन्वर्टर है, ठीक है। लेकिन ये चार्जेबल कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर का काम है ये जो ऑक्सिलरी बैटरी है इसको चार्ज करना, ठीक है, इसका काम है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी ये मंदिर को फिटिंग करते हैं। उड़ लो बेटा।
और फ्रेंड ये जो मंदिर है ये टाइट करने के टाइम पे बहुत हिसाब से करना होता है। वर्कशॉप में अगर ये काम होता तो ये टाइट करने के लिए वो मिस्त्री लोग टॉर्क रेंज यूज करता है। तो टॉर्क रेंज क्या होता है, हम लोग जब पहले फोर व्हीलर का काम करते थे और फोर व्हीलर का जो इंजन हेड का जो नट होता है वो नट टाइट करने के टाइम पे टॉर्क रेंज लगता था। तो टॉर्क रेंज वहां पे 60 या 80 टॉर्क में ये टाइट करना होता है, तब जाके क्या होता है ये नट ढीला भी नहीं होगा और ओवर टाइट भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, ये एक हिसाब होता है। तो फ्रेंड्स चलिए ये काम पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। तो ये गियर बॉक्स को फिटिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड, पहले ये जो यहाँ पे एक देखिए रस्सी है, ठीक है, रस्सी के मदद से हम लोग ये गियर बॉक्स को नीचे उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे से इसको पकड़ के फिर इसको सेटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसको ऊपर से पकड़ के रखूंगा और बच्चा लोग नीचे से इसको टाइट करेगा और नट लगाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोग देखिए। तो फ्रेंड आप लोग ये काम देख के समझ ही पा रहे होंगे कि ये गियर बॉक्स कितना भारी है। ठीक है, तो ये काम अगर आप नीचे से करना चाहोगे तो नीचे ये काम करने के टाइम पे आपको एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये गियर बॉक्स अगर आपके हाथ के ऊपर गिरेगा तो आपको बहुत चोट लग सकता है। तो फ्रेंड आपको अगर ये काम करना है तो ऐसा ही करके आपको ये काम करना होगा। तो मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखा दिया हूँ, क्योंकि फ्रेंड हम लोग जब पहले गाड़ी का क्लच करते थे तब हम लोग ये रस्सी के मदद से ये क्लच को हम लोग माउंटिंग करते थे। ठीक है, तब ये जो नट का लाइनिंग है वो लाइनिंग करते थे, तो ये काम करने में आसानी होता है। सो फ्रेंड देखिए गियर बॉक्स फिटिंग हो गया है। अभी यहाँ पे एक हॉल सेंसर का लाइन है, जो ये हॉल सेंसर का जो लाइन है इसको हम लगा देंगे और उसके बाद गाड़ी को पूरा फुल फिटिंग करके गाड़ी को उतारेंगे। फिर जो साउंड हुआ था वो साउंड अभी हो रहा है कि नहीं वो आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स गाड़ी नीचे आ गया है और यहाँ पे और एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी जब हम लोग नीचे उतारे थे इसका जो ब्रेक ब्लीडिंग का जो काम था वो भी हम लोग कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए दो नॉब है, वहां पे ब्रेक ब्लीडिंग करना पड़ता है। तो पार्ट थ्री वीडियो में अगर ब्रेक ब्लीडिंग करने का जरूरत पड़ेगा मैं उस वीडियो में भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि ब्रेक ब्लीडिंग कैसे करना होता है। फ्रेंड आप लोग पार्ट वन वीडियो में आप लोग देखे थे गाड़ी जब लेफ्ट टर्न पूरा सॉलिड लेफ्ट टर्न हो रहा था तब जाके कट कट करके साउंड हो रहा था। ठीक है, तो अभी फ्रेंड हम लोग वही चेक करेंगे कि वो सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. Back here. Kata. फुल सो फ्रेंड ये गाड़ी का जो कट प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पार्ट थ्री वीडियो तो कुछ ही दिन में आ जाएगा। तो हाइड्रोलिक ये गाड़ी का जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसके ऊपर अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही आपको इंटरेस्टिंग टाइप वीडियो ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड।
और फ्रेंड उसके साथ और एक बात कि यूट्यूब चैनल पे महिंद्रा ट्रियो यारी जोर या कोई भी जो लोडर सेगमेंट का जो गाड़ी है उसका कोई भी वीडियो दिया हुआ नहीं है अच्छे से, तो सिर्फ मेरा ही जो चैनल है इसमें आपको ऐसा टाइप वीडियो सिर्फ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम।